बेटा मैं जानती हूँ ये जो कुछ भी अस्वद ने किया बहुत गलत किया, लेकिन पता है मोहब्बत ने किया है। मोहब्बत नहीं करते हो मुझसे, गलत फहमी है आपकी। किस बात की गलत फहमी? अगर गलत फहमी होती तो तुम्हारी मंगनी क्यों रुकवा था? पनिश कर रहे हैं वो मुझे, इसीलिए तोड़ी है मेरी मंगनी। क्यों पनिश करेगा तुम्हें? तुम्हें जेल से छुड़वा के लाया, मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारी शादी सफवान से करवा दूं, उसके बारे में इतना बदगुमान क्यों हो गई हो तुम? खाला वो आपके बेटे हैं, लेकिन आप उनके इरादों को नहीं जानते। एक माँ अपने बेटे के इरादों को नहीं जानती होगी? जज्बाती है, जल्द फैसले कर लेता है। मैं मानती हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, तुम्हारी मर्जी से होना चाहिए था, है ना? अरे उसको एक मौका तो और दे दो प्लीज, देखना तुम बदगुमान नहीं होगी। मुझे अच्छी तरह से यकीन। बोलो क्या बात करना चाहती? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मरीन से किसी भी किस्म का रابطہ मत रखो। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं किससे रابطہ रखूँ और किससे ना रखूँ? मैं उसका होने वाला शौहर हूँ, हम दोनों की बहुत जल्द शादी हो रही है, इसलिए किसी भी किस्म का रابطہ मरीन से मत रखना। तुम इतने घटिया इंसान हो ना, अगर इतना मरे जा रहे थे तुम उसके लिए तो उसे मंगनी क्यों तोड़ी, उसे हवालात क्यों जाने दिया तुमने? मैं घटिया हूँ और मैं कितना घटिया हूँ ये भी मेरा मसला है। तुम किसी भी किस्म का रابطہ मरीन से नहीं रखना, समझ आई? हेलो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। हाँ जाओ। कुछ दिनों के लिए आना चाहती हूँ। आ जाओ। और सुनो, सफान से भी मिलना चाहती हूँ। मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसको तुम अपने यहाँ बुला देना, लेकिन बताना नहीं कि मैं वहाँ पर हूँ। महरीन ये सब क्या चल रहा है? आई डोंट नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर इट आउट। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।